हेलो ब्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल सौंदर्य हब। और आज मेरा ये वीडियो है ड्राई स्किन के लिए है दोस्तों। ये हमारी ड्राई स्किन, डल स्किन, बेजान त्वचा कैसे हो जाती है और हम इसको कैसे दूर करें, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। क्योंकि जब हमारी बहुत स्किन ड्राई हो जाती है ना, तो मैं आपको रेमेडी तो ज़रूर बताऊंगी, उसके लिए मैंने सामान इकट्ठा करके यहाँ रखा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि हम इन सब चीज़ों से लगाने से तो हम ड्राइनेस को दूर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर भी लेंगे। लेकिन हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि ड्राई स्किन हो क्यों रही है और इसको हम नेचुरल तरीके से कैसे ठीक करें। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है दोस्तों, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इसलिए मैं ड्राई स्किन पर पूरा वीडियो बना रही हूँ, ताकि जिन जिन लोगों की ड्राई स्किन हो वो इस वीडियो से भरपूर लाभ उठा सके, इसलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ड्राई स्किन जो है हमारी क्यों हो जाती है, अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, यानी कि हम अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं। हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। अब हम जब वो नहीं लेते हैं तो स्किन में खिंचाव आने लगता है और धीरे धीरे स्किन ड्राई होने लगती है। सेकेंड नंबर दूसरा कारण हमारा है कि जब हम प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, हमें कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर आप खुद नोटिस करिए, अगर आपकी इतनी ड्राई स्किन हो रही है कि आप उतना पानी पी रहे हैं, अगर नहीं पी रहे हैं तो ये वीडियो देखकर आज से, अभी से बल्कि शुरू कर दीजिए और आपको जरूर फायदा होगा। नंबर 3, अगर ये दो चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं तो करिए। और तीसरा जो कारण है ड्राई स्किन का, वो ये है कि हम अपनी डाइट में क्या शामिल कर रहे हैं। क्या आप एक कटोरी फ्रूट, जो भी सीजनल फल आ रहे हो मार्केट में, क्या आप ले रहे हैं? अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप लेना शुरू कर दीजिए। ये 3 चीज़ें आप करिए पहले, और फिर आप फर्क देखिएगा कि ड्राई स्किन में कितना अंतर आया है। बाकी रेमेडी तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी से बने जो भी प्रोडक्ट हैं या फेस वॉश हैं, उसका यूज़ आप अपने चेहरे पे ना करें। कारण क्या है इसका? जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना दोस्तों, वो हमारे फेस पे जो हमारा नेचुरल ऑयल होता है वो उसको सोख लेती है, उसको खींच लेती है, तो हमारी जो स्किन है ना, काफ़ी ड्राई लगने लगती है, इसलिए आप उसको यूज़ ना करें। अब हम जो साबुन है नहाने वाला, साबुन का भी हम ऐसे यूज़ करते हैं ना, तो उससे भी हमारी स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको अपनी पसंद का कोई भी माइल्ड फेस वॉश ले लें और उससे अपने चेहरे को क्लीन करें दोस्तों। ड्राई स्किन का बहुत लंबे समय तक बने रहना, और हमने ध्यान ही नहीं देना यार कि इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन हो क्यों रही है। और जब हम ध्यान नहीं देंगे ना, तो हम 25 की उम्र में ही 45 के नज़र आएंगे। ऐसा आप चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे ना। तो जब भी लगे आपकी ड्राई स्किन हो रही है, आप फटाफट ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा दिनों तक जब ड्राई स्किन रहती है ना, तो वो झुर्रियों में बदल जाती है। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, और आपके लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही हेल्पफुल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल, अच्छे से पूरा निचोड़ देंगे। मैंने पूरा इसका ऑयल इसमें अच्छे से निकाल दिया। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरे फेस पर इसे अप्लाई करेंगे रात को सोते समय। लेकिन सबसे पहले सोने से पहले हम अपने फेस को वॉश करेंगे, और उसके बाद हम इसको हल्के हाथों से इसको मसाज करेंगे, और ये 8 से 10 मिनट का मसाज आप करेंगे। इतना मसाज जब हम करेंगे ना, उसके बाद हम सो जाएंगे, फिर हम सुबह उठेंगे और इसमें काफ़ी अंतर आएगा, और ऐसा हमें कई दिनों तक करना है। डेफिनेटली आपकी स्किन में फ़र्क आएगा, आपकी डलनेस भी चली जाएगी, स्किन आपकी ब्राइट होगी, और आपके रिंकल्स वगैरह भी रिमूव हो जाएंगे, आपका चेहरा बेजान जो है ना, इसमें काफ़ी जान आ जाएगी, चमकदार हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, सेकेंड रेमेडी भी है मेरे पास। पहले मैं इसको खुद भी मसाज कर लूँ थोड़ा सा, ये हो गया। सेकेंड रेमेडी है हमारी दोस्तों ये वाली, इसमें कुछ भी नहीं आपको मिलाना है। ये है गुड वाइब्स का ऑर्गन फेशियल ऑयल।
इसको आप लेना, ये 24 कैरेट गोल्ड है इसमें, इसको आपको बस कुछ भी नहीं मिलाना है, बस इसको लेना है और इसके लेकिन अपने चेहरे को लगाने से पहले क्लीन करना है, सोने से पहले रात में इसको डेली अप्लाई करना है। ये देखिए इसके कुछ ही ड्रॉप लगते हैं, ये मैंने अपने फेस पे लगा दिया है और इसके बाद हम इसको अच्छे से करेंगे मसाज। ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए आपकी ड्राइनेस डेफिनेटली दूर होगी इससे, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, स्किन को एकदम ब्राइट बना देता है ये। सुबह भी आप अगर एक बार करना चाहें फेस वॉश करने के बाद तो कर सकते हैं, इससे काफी आपके फेस को स्मूथ बनाएगा और ये आपके जो भी रिंकल्स हैं, दाग धब्बे भी इससे काफी कम हो जाते हैं। ये देखिए। चलिए दोस्तों अब हम तीसरी रेमेडी बनाते हैं। तो तीसरी रेमेडी है हमारी रोज वाटर और ग्लिसरीन से बनाएंगे हम। ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, ये हमारी स्किन को हील करती है, मॉइस्चराइज करती है, रिंकल्स फ्री बनाती है, तो ये बहुत अच्छी है। और रोज़ वाटर भी हमें इसमें ऐड करना है। ग्लिसरीन को कभी भी अकेले नहीं लगा लेना है, नहीं तो कुछ और ही असर हो जाता है, बहुत चिपचिपी हो जाएगी और हमारी जो स्किन है काफ़ी काली पड़ने लगती है, इसलिए कभी भी इसको ऐसे यूज़ नहीं करना है। तो इसको यूज़ करने का सही तरीका मैं आपको बताऊँगी। हमें क्या करना है, एक चम्मच रोज़ वाटर लेना है। ये देखिए एक चम्मच रोज़ वाटर में हमें मिलाना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की कितनी मात्रा मिलानी है मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, केवल इसकी 10 ड्रॉप। अगर एक चम्मच रोज़ वाटर है तो हमें 10 ड्रॉप ही मिलानी है। मैंने यहाँ पे डाल दी है और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको अपने फिंगर्स पे लेके, चेहरे पे तो मैं नहीं करूँगी, अब अपने हाथ पे इसको अप्लाई करके बता रही हूँ, इसको हम अच्छे से मल देंगे। इसको मसाज नहीं करना है, बस 3 से 4 बार हमें ऐसे मलना है बस। और इसको हम रात भर के लिए छोड़ देंगे और सुबह आपको डेफिनेटली फ़र्क नज़र आएगा। और इसको आप एक दिन में ही आपको फ़र्क लगेगा, और अगर आपने 2 दिन कर लिया ना, पक्का आपकी ड्राई स्किन एकदम अच्छी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी ड्राइनेस स्किन की और फ़र्क नहीं आए ना, मुझे आप बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए काफ़ी शाइनी लग रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए सपोर्ट बनाए रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।